नमस्कार, इन24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। डिंडोसी पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल पाई है जो फिल्म सिटी में काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या की कोशिश करने के मामले में करीब 5 साल से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि तांत्रिक जांच और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी इतना सातिर है कि वह पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपने मोबाइल का सिम कार्ड बदलता था और नाम बदलकर अलग अलग इलाकों में रहता था। आखिरकार पुलिस ने उसे मद्रास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में डिंडोसी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जीवन खरात ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सतीश उर्फ प्रशांत उर्फ फरसी नरसैया है, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास बताई जा रही है, जो डिंडोसी इलाके में रहता था और वह फिल्म सिटी में मोल्डिंग के काम का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। इस दौरान उसकी जान पहचान फिल्म सिटी में काम करने वाले ठेकेदार बड़ा कालू से हुई। दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे, लेकिन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ऐसी छिड़ी कि दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। करीब 5 साल पहले 5 अक्टूबर को पुरानी रंजिश के चलते बड़ा कालू और आरोपी के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान आरोपी फरसी और उसके साथियों ने बड़ा कालू पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बड़ा कालू गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने फरसी के 4 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस घटना का मास्टरमाइंड आरोपी फरसी फरार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस कई सालों से कर रही थी। आखिरकार अब डिंडोसी पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है और आरोपी को धर दबोचा है। डिंडोसी पुलिस स्टेशन के हद में 4/10/2022 को रात को 11:30 बजे युवा मित्र मंडल रामनगर उमर सिंह पाड़ा गोरेगांव, ये आरे फिल्म सिटी के बाहर एक स्लम झोपड़पट्टी है, वहां पर ये जो आरोपी है जो अरेस्ट किया हुआ सतीश प्रशांत उर्फ फांसी नरसैया बोमंडी, ये और इसके 4 साथीदार है, इन्होंने इनके पूर्व वैमनस्य के ऊपर बड़ा कालू इस अपराधी को ये लोगों ने चॉपर कोयता और तलवार से अटैक करके इसको जान से मारने की कोशिश की थी। इस वक्त ये आरोपी ने मार के ये लोग भाग गए थे। ये पूरा जंगल का एरिया है आरे का, और पुलिस ने फिर भी इसके बारे में कोशिश करके इन्वेस्टिगेशन करके इसमें से 4 आरोपी को अरेस्ट किया था। उस वक्त ये जो आरोपी है इसको अभी अरेस्ट किया है, ये पिछले 5 साल से फरार है और इसको और आरे के और डिंडोसी के जुने अपराध में ये वांटेड आरोपी है। डिंडोसी पुलिस स्टेशन के PSI देसाई, API घारगे और क्राइम PI कावड़े साहब, इन लोगों ने इसको अरेस्ट करने के लिए बहुत बार वहाँ पे ट्रैप लगाया। ये अलग अलग मोबाइल यूज़ करता था, नंबर अलग होता था, इसको बार बार ट्रैप करने के बावजूद भी ये पुलिस को चकमा दे रहा था। और ये आरोपी जो है ये इसको बड़ा कालू इसको मारने में मेन आरोपी था। ये बहुत खूंखार आरोपी है और इसने इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे क्राइम किए हैं। ये नहीं मिल रहा था इसको, ये लोग ने अथक परिश्रम करके इसको अरेस्ट किया है और कल दिनांक 13/6 को इसको अरेस्ट किया है इसको, और इसको अभी पुलिस हिरासत में लिया है।